आज मेरे पास मास्क है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है, बी माँ। न तलवार की कैर से, न तेल के झार से, बंदा सिर्फ डरता है कोरोना के वार से। हम खैरात नहीं लेते बॉस, हम कोरोना को मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो दवा भी हमारी होगी, वो मास्क भी हमारा होगा, वो सैनिटाइजर भी हमारा होगा और वो घर भी लॉकडाउन हमारा होगा। गुनाह है, पाप है ये। जिनकी अपनी क्लिनिक लॉकडाउन होती है वो दूसरों के पेशेंट नहीं छीना करते, नहीं छीना करते। खुद को कर सैनिटाइज इतना, खुद को कर सैनिटाइज इतना कि हर मास्क से पहले भगवान इंसान से खुद पूछे, लॉकडाउन कहाँ है, कोरोना कहाँ है? हमको कोरोना हरा सके, ये कोरोना में दम नहीं, और कोरोना चाइना से है, चाइनीज हम नहीं। हम कोरोना के ज़माने के जेलर हैं, हाहा। आज के ज़माने के नहीं, जो मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना भी भूल जाए। जब हम नहीं लॉकडाउन में बिगड़े तो तुम क्या बिगड़ोगे, हाहा। बाबा गंजू बाबा, आदमी अपने मास्क से पहचाना जाता है, छींक से नहीं। ए भाई, जाके पता कर, मालूम कर, उधर जितना चाइना में कोरोना फैला है उससे ज़्यादा अमेरिका में फैल रहा है। एक बात बता बे, मास्क इंडिया का, सैनिटाइजर इंडिया का, तो दवाई चाइना का क्यों? दवाई भी इंडिया ही बनाएगा भाई लोग। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, देखिच लेना। आप उनको ये फाड़ू डायलॉग है, कोरोना पे कोरोना, कोरोना पे कोरोना, कोरोना पे कोरोना, कोरोना पे कोरोना, बस कोरोना फैल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है बाजार में, फैल रहा है बस कोरोना। ए मास्क, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के हो नहीं सकते। हम दोनों के बीच में अगर कोई कोरोना आया तो वो समझो ख़त्म हो गया। इन हाथों ने सिर्फ हाथ धोना छोड़ा है, सैनिटाइजर करना नहीं भूले। अगर इस लॉकडाउन में कोरोना आया तो कोई भी नहीं मिलेगा उसे, और सबसे पहले बीमारी ख़त्म होगी। जिस किसी को भी ये बीमारी होगी तो लॉकडाउन करिए और बीमारी से बचिए। तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी मास्क लगाने वालों को हाथ सैनिटाइज भी करना पड़ता है, और ऐसा करने वालों को कोरोना वॉरियर कहते हैं। कौन कम वक्त बीमारी से बचने के लिए दवाई पीता है? हम तो पीते हैं आराम से सो सकें, लोगों को पका सकें और तुम्हारा दिमाग का दही कर सकें। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा मास्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मास्क आए तो कहना कि सैनिटाइजर आया था। चेहरा ढकने को मास्क कहते हैं, हाथ धोने को सैनिटाइज कहते हैं, और जो लॉकडाउन का पालन न करे उसे नितंब सुजान कहते हैं। आज खुश तो बहुत होगे तुम, आज तक कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा, सब अपने काम में पीछे थे, कोई मंदिर जाना नहीं चाहता था, पर एक लॉकडाउन ने लोगों को तुम्हें याद करने पर मजबूर कर दिया। मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ, जल्दी से हमें इस महामारी से निकालो। जय महादेव। हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में
भीम साहब कुछ ठीक हो जाता है। हैप्पी एंड। और अगर ठीक ना हो तो ये एंड नहीं है भाई लोग, पिक्चर अभी बाकी।